ये तस्वीर किसी के बड़प्पन की कहानी बयान कर रही है तो किसी के इंटरनेशनल कद की। इस तस्वीर को जिस किसी भी हिंदुस्तानी ने देखा वो गर्व और भावुकता से भर गया। पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारेपे ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में देश की परंपरा ही बदल दी और रात के वक्त भी खुद प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पहुंच गए। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के पैर छूकर अभिवादन किया और पीएम मोदी ने अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्हें गले लगा लिया। दरअसल पपुआ न्यू गिनी एक छोटा सा देश है, बावजूद इसके ये देश खनिज संपदा और राष्ट्र संसाधनों से मालामाल है, लेकिन इस देश पर चालबाज चीन की नजर पड़ चुकी है। चीन की नजर पपुआ न्यू गिनी के सोने तांबे जैसे भंडार पर है। इसी के तहत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इस देश में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। दरअसल पपुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के सबसे करीब है और ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड देश का हिस्सा है। कथित तौर पर दक्षिण प्रशांत में चीन सैन्य ठिकाने स्थापित करने की साजिश कर रहा है और अगर ऐसा होता है तो ऑस्ट्रेलिया को घेरना उसके लिए आसान होगा और ये पूरे क्वाड के लिए एक खतरे की घंटी जैसा है। वहीं अब चीन के नापाक इरादे के मद्देनजर पीएम मोदी का पपुआ न्यू गिनी का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। जापान के हिरोशिमा में G7 के मंच पर मोदी बाइडेन की दोस्ती देख दुश्मन जलकर भुनकर राख हो गए। दरअसल G7 की बैठक हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर अपनी सीट पर बैठ चुके थे। थोड़ी देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की कार्यक्रम स्थल पर एंट्री होती है और आते ही जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी को ढूंढकर गले लगा लेते हैं। जापान में G7 का मंच सजा था और इस मंच पर दुनिया भर के दिग्गज इकट्ठा हुए थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत तमाम हस्तियां शामिल थी। लेकिन इस मंच पर जंग से जूझ रहे जेलेंस्की ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि यूक्रेन कई बार भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख चुका है। शरीर को निरोग बनाने वाले योग की उत्पत्ति हिंदुस्तान की धरती पर हुई, लेकिन योग परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाना चाहिए। ये मोदी की कोशिश ही रंग लाई थी कि 21 जून को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाने लगा। वहीं इस बार का योग दिवस भी बेहद खास होने वाला है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी इस साल जून में अमेरिका जाने वाले हैं। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन उन्हें स्टेट डिनर के लिए न्योता दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो न्यूयॉर्क में पीएम मोदी यूएन मुख्यालय में विश्व योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद शिकागो में भारतीय समुदाय के साथ मोदी एक बड़े कम्युनिटी कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। भारत में जब डिजिटल इंडिया की बात की गई तो इसका उपहास उड़ाया गया, तमाम समस्याएं गिनाई गईं। लेकिन मोदी राज में डिजिटल क्रांति के जरिए देश भर में हुए बदलाव ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आज तस्वीर ये है कि कोई पान वाला हो या ठेले वाला, एक रिक्शा चालक हो या ग्रोसरी शॉपकीपर, सबके हाथ में स्मार्टफोन है और सभी पैसे का लेन देन डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं। इसका श्रेय जाता है मोदी सरकार को। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता संभालने के बाद जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, बयार उसके विपरीत बहने लगी। सिर्फ पड़ोसी देशों से ही नहीं, मुस्लिम देशों से भी भारत के रिश्ते और भी मजबूत हुए। खासकर अरब देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया आयाम मिला। में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू किया। यहां तक कि आतंक की फसल बोने वाले पाकिस्तान से भी रिश्ते सुधारने के लिए साल 2015 में पीएम मोदी अचानक तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने पाकिस्तान पहुंच गए। लेकिन कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भारत की तरफ से दोस्ती की पहल के बावजूद पाकिस्तान ने आतंक को पालने पोसने का सिलसिला जारी रखा, लेकिन मोदी ने भी पाकिस्तान की तरफ आंखें तरेर ली। भारत के पड़ोसी देश चीन ने भी पाकिस्तान की तरह ही भारत की पीठ पर हमेशा खंजर ही घोंपने की कोशिश की है। हालांकि पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच पुरानी कड़वाहट को भुलाकर रिश्तों को सुधारने की कोशिश की और अहमदाबाद के साबरमती के किनारे
दोनों देशों के सुप्रीम लीडर झूला झूलते भी नजर आए। दुनिया में मोदी के बढ़ते कर्ज की अनगिनत कहानियां हैं, लेकिन कोविड जैसी आपदा के वक्त मोदी मंत्र ने दुनिया को भारत की ताकत का और भी गहरा एहसास करवा दिया। भारत ने चीन के साथ बढ़े तनाव के बावजूद भी चीन की मदद की थी। कोरोना संकट में भारत ने चीन को न सिर्फ अनुदान दिया बल्कि उसकी मेडिकल हेल्प भी की। 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्हें देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कई दूरगामी और अहम फैसले लिए, जिसका फायदा आज नजर भी आ रहा है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की ताकत इस बात से नापी जा सकती है कि भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ते हुए दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी का ताज अपने सिर सजा लिया है। प्रधानमंत्री मोदी की आज दुनिया कायल है। उनकी दमदार छवि के दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स भी मुरीद हैं। लेकिन मोदी की ये छवि एक दिन में नहीं बनी। पीएम मोदी ने विदेशी नेताओं के प्रति जो आदर सत्कार प्रेम भाव दिखाया, उसका ही असर है कि दुनिया के दिग्गज मोदी को देखते ही गले लगा लेते हैं। सैन्य कार्रवाई के अलावा भारत ने पाकिस्तान को हर बार कूटनीतिक मात भी दी। हिंदुस्तान ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को दुनिया में पूरी तरह अलग थलग कर दिया और उसके साथ ही एक एक करके उससे दूरी बनाते चले गए। केरल के कोझिकोड़ में पीएम मोदी ने 24 सितंबर 2019 को धमकी भरे अंदाज में ये भी कहा था कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे पूरी दुनिया में अलग थलग कर देंगे। दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच आत्मविश्वास से भरा एक मजबूत नेता, एक मजबूत भारत का प्रतिनिधि, एक ऐसा देश जो आर्थिक विकास कर रहा है, लेकिन इसके लिए पीएम मोदी ने कड़ी मेहनत की है। पीएम मोदी देश ही नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर भी बन चुके हैं। हाल ही में ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में पीएम मोदी दुनिया के तमाम दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दुनिया के टॉप लीडर में शुमार हुए। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में पीएम मोदी अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी आगे रहे। रेटिंग में दुनिया भर के 76% लोगों ने दुनिया का सबसे बेहतर और लोकप्रिय ग्लोबल लीडर पीएम मोदी को माना और लिस्ट में उन्हें नंबर एक पर रखा। वहीं इस लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 41% वोटों के साथ सातवें स्थान पर रहे। प्रधानमंत्री बनते ही 2014 में पहले दिन से विदेश नीति और विदेशियों में भारत की छाप छोड़ना मोदी की बड़ी प्राथमिकता रही। अगर 2014 में भारत के पड़ोस के अलावा पहली विदेशी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए, एक ऐसी दोस्ती पनपी जो पिछले साल जुलाई में आबे की दुखद हत्या के साथ खत्म हुई। मोदी आबे के अंतिम संस्कार में भाग लेने जापान पहुंचे थे। पैंट थोड़ा ऊपर कर समंदर के पानी में खड़े होकर तस्वीरें शायद आपने भी ली होंगी, लेकिन बीच पर यह नजारा आम होता है। लेकिन जब दुनिया के दो बड़े देशों के प्रधानमंत्री इस तरह बातें करते दिखाई दें तो पिक्चर बोलने लगती है। पीएम मोदी का यह अंदाज इसराइल में नजर आया था। नरेंद्र मोदी अब तक 9 साल के कार्यकाल में किसी भी प्रधानमंत्री से ज्यादा विदेश यात्राएं कर चुके हैं। इस साल अप्रैल तक उन्होंने 67 विदेश यात्राएं की, इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा की यात्रा भी शामिल है। मजबूत नेता के नेतृत्व में मजबूत भारत की यही छवि दुनिया भर में बसे भारतीय मूल के लोगों को भा रही है। इससे पहले कोई भारतीय नेता शायद ही ऐसा रहा हो जिसका विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ ऐसा जुड़ाव रहा हो। हिरोशिमा में G7 के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड लीडर के तौर पर जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा को सबसे बड़ी चुनौती करार दिया। भारत का दुनिया में कद बढ़ाने में G20 समिट भी मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसकी अध्यक्षता मिलने के बाद भारत इसे हर पैमाने पर सफल बनाने में जुटा है। जिस तरह से G20 समिट का सफल आयोजन भारत में हो रहा है, वो न सिर्फ पीएम मोदी के विश्व नेता बनने वाली छवि में निखार ला रहा है, बल्कि इसकी वजह से भारत का भी दुनिया में कद बढ़ रहा है।
पीएम मोदी का दूरदर्शी नजरिया भी इस G20 समिट से सामने आ रहा है। G20 समिट से जहां भारत के लिए वैश्विक नजरिया बदलेगा, वहीं भारत के व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयां मिलेंगी। पीएम मोदी इसके जरिए भारत को दुनिया के शिखर मुकाम तक पहुंचाने में जुटे हैं। G20 के लिए पीएम मोदी की कोशिशें यकीनन हमेशा की तुलना में भारत अधिक प्रभावी और ताकतवर किरदार बनकर उभरेगा।